सफ़ीना तहकीको करामत और शमशाद शर्फ़ वलायत हज़रत ज़ुल्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नोबी कबीला के फर्जंद थे। सोबान नाम था, अहले तरीक़त में बहुत बुलंद मकाम के मालिक थे। राहे मलामत पर गामजन थे, तमाम अहले मिस्र इनकी रिफ़त मकाम से ना आशना थे और इनकी बुजुर्गी के मुनकर थे। मरते दम तक कोई इनके हालो जमाल से वाकिफ ना था। जिस रात आपने दुनिया से कूच किया तो 70 आदमियों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि हम खुदा के दोस्त ज़ुल्नून का खैर मकदम करने आए हैं। मरने के बाद ज़ुल्नून की पेशानी पर यह इबारत सब देखी गई, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में मरा, अल्लाह का शहीद। जब जनाजा उठा तो परिंदे जमा हो गए और इनकी मैयत पर अपने परों का साया किया। ये देखकर अहले मिस्र पर बड़ा असर हुआ और वो अपनी जफा पर सख्त पशिमान हुए। तसव्वुफ़ में इनके बेशुमार बेशकीमत अक़वाल हैं। आपने फरमाया, आरिफ़ हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनकसार पर मायल होता है, क्योंकि हर लम्हा वो अपने मालिक हकीकी के करीब तर हो जाता है। हर कदम पर कादर मुतलिक का जबरूत इसके दिलो दिमाग पर तारी होता रहता है और हर कदम पर इसे एहसास होता है कि वो सुल्तान मुतलिक से कितनी दूर है। मूसा अलैह सलाम ने दौरान कलाम में बारी ताला से पूछा, मेरे मौला मैं तुझे कहाँ तलाश करूँ? जवाब मिला टूटे हुए दिलों में। अर्ज़ की, बारे खुदा कोई दिल मेरे दिल से ज़्यादा टूटा हुआ नहीं। निदा आई, तो फिर जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ।